दोस्तों, अखे मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अखा मसूर लिया है, एक कटोरी लिया है। तो इसे अच्छे से हम धो लेंगे। तो इसे अच्छे से धोने के बाद इसका पानी निकाल के इसे रख देंगे। तो ये हमें सबसे पहले कर लेना है, बनाने से पहले इसे पहले से नहीं भिगोना है। यहाँ पे अखे मसूर को धो लिया है तो इसके बनाएंगे हम छोले। तो इसे रख देते हैं तब तक साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, तो मैं इसमें सरसों का तेल डालूंगी तकरीबन 2 बड़े चम्मच। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी ली है, छोटी बड़ी इलायची है, 4 लवंग है और काली मिर्च है और तेज पत्ते है 2। आप यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं, मेरे घर पे जीरा कोई खाता नहीं है खास, तो मैंने जीरा यहाँ पे नहीं लिया है। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने खड़े मसाले डाल दिए, इसे थोड़ा चटका लेना है। खड़े मसाले जैसे ही भुन जाए, मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, इसे डाल देना है। आप जितना तीखा खाते हैं उतना डालेंगे। मैंने यहाँ पे कटे हुए लहसुन डाले हैं, 2 बड़े प्याज कट किए थे मीडियम साइज के, इसे भी भून लेना है। तो मसालों को अच्छे से भून लेना है। मैं कटे हुए टमाटर डाल दिए तकरीबन 1 कटोरी, तो अच्छे से इन्हें भी भून लेना है, गला लेना है थोड़ा टमाटर को। फ्रेंड्स, टमाटर हमारे यहाँ पे गल गए हैं, तो चलो बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। बस मिर्ची पाउडर डालूंगी इसके अंदर, लाल वाली, और यहीं पे मैं धनिया पाउडर 1 चम्मच डालूंगी, काली मिर्च आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम, 2 चम्मच गरम मसाला ऐड करूंगी। यहाँ पे कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसालों के साथ यहीं पे मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसालों में सिपी आ रही है। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मसूर को भिगोया था, ये देखिए फूल गई है, तो इसे भी इसमें डाल के भून लेना है। तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है मसूर के छोले, और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। सो गई है, तकरीबन 30 सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे हम, ज्यादा नहीं भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 कटोरी डाल रही हूँ, और इसे अब 1 सीटी के लिए ढक्कन लगा देंगे। मैं यहाँ पे इसे प्रेशर कुकर कर रही हूँ 1 सीटी के लिए, इसे ज्यादा नहीं पकाना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे खोल रही हूँ। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से कुक हो गई है, यानी कि छोले। अब हम तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तड़का मारने के लिए सरसों के तेल ले लिए हैं 1.5 चम्मच। तो इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, मैंने लहसुन की कलियां डाल दी इसके अंदर। लाल मिर्च डाल दे रही हूँ साबुत, और कुछ करी लीव्स लिए हैं। छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, इससे कलर बढ़िया आता है। अब इसके हम दाल के ऊपर तड़का लगा देंगे। ये देखिए हमारी दाल एकदम रेडी है। ये देखिए छोले वाली दाल मसूर की बिल्कुल रेडी है। तो देखिए दोस्तों, दाल हमारी रेडी हो गई है। इसे आप पूरी के साथ, चावल के साथ मजे से खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो इसका मजा उठाने वाली हूँ चावल के साथ। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा हमारा छोला मसूर का, विटामिन से भरपूर। ये देखिए, और मैं इसके साथ लेने वाली हूँ बीटरूट सैलेड और प्याज। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें, कमेंट में लिखिए कैसी लगी, और मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।